चोरी लूट और डकैती के खानदानी पेशे की तरह अपनाने वाले पारधी गैंग की जिले में कई वारदातों को पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गैंग में शामिल 6 पुरुष और 3 महिलाएं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे 44 ग्राम सोना, 9 किलो 803 ग्राम चांदी के आभूषण और 2,82,800 रुपए नकदी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। गैंग ने पिछले 3 माह में 6 व्यापारी और किसानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चपत लगाई थी। मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि गैंग बेहद शातिर होकर व्यापारियों और किसानों पर नजर रखते हैं। गैंग का फरार सदस्य रामाकांत उर्फ रामा पारधी अपने साथ 19 से 20 साल के लड़कों को मोटरसाइकिल से भीड़भाड़ वाले एवं गल्ला व्यापार करने वाले व किसानों को टारगेट करते थे। गैंग से डायवर्जन रोड स्थित लोहा दुकान से चुराई गई रुपयों से भरी थैली का खुलासा भी हुआ है। नाबालिग बालक बालिकाओं की बरामदगी का विशेष अभियान था ऑपरेशन मुस्कान, उसमें हमारे सभी अधिकारियों ने विशेष प्रयास किए और 1.5 महीने की अवधि में हमने 76 बालक बालिकाओं को बरामद किया है। 76 बालक बालिकाओं की बरामदगी अक्रॉस द कंट्री हुई है। दिल्ली से भी लाए हैं, गुजरात से भी लाए हैं, पोरबंदर से भी लाए हैं, मुंबई से भी लाए हैं, मतलब कई राज्यों में पुलिस टीमें जाके इनको बरामद करके लाई है। तो 76 बालक बालिकाओं की बरामदगी के बाद खरगोन जिला प्रदेश में नंबर 1 पे है। मतलब हमने हमारा इस जनवरी फरवरी में टोटल 43 गायब हुए थे, फ्रेश केस 43 के अगेंस्ट में रिकवरी की है 76। तो पुराना नया मिला के हमारी रिकवरी करीब 60% है, जो पूरे ऑपरेशन मुस्कान में खरगोन की जो बरामदगी है वो स्टेट में नंबर 1 पर है। सीएम हेल्पलाइन में भी हम कई बार नंबर 1 पर रहते हैं, ऑपरेशन मुस्कान में भी खरगोन नंबर 1 पर रहा है। नंबर 1 और 2 का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि परिवार से उसके बच्चे को मिलवा देना और बच्चा किसी गलत हाथों में न चला जाए, उसके साथ कोई अत्याचार व्यवचार तो नहीं हो रहा है, वो बड़ी जिम्मेदारी होती है। और एक किसी बच्चे को पोरबंदर से लेके आना, अहमदाबाद से लेके आना, गुजरात से लेके आना, उसको सर्च करना, उसको ढूंढना, जब एक बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट होते हैं, फ़ोन का उपयोग नहीं करते, फ़ोन अपने छोड़ के चले जाते हैं, तो बहुत बड़ी टेक्निकल एनालिसिस होती है। इसके बाद टीमें डिस्पैच होती हैं, 4-6 दिन ट्रैवल करके जाती हैं, फिर ट्रैवल करके लाती हैं। तो बहुत ही कठिन टास्क होता है एक दूर दराज से बच्चे को सबसे ला के उनके परिजनों को सपोर्ट करना। हमारी पूरी साइबर की टीम, एक एक केस इनको बांटा गया था, एक एक केस में इन्होंने ढूंढ के लोकेशन निकाली, फिर टीमें डिस्पैच हुई, फिर बड़ी सफल कार्रवाई ऑपरेशन मुस्कान में हुई। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।